अरे समझ आ गई रास्ते में बैठे बैठे बोलो यार वो गल ना हो गए ना मौली साहब चले ना गड्डी के तो टिकट को नहीं कटाई तो चेक कर आया टिकट का दो रकात नमाज नफल ओ भाई यार टिकट का दो रकात नमाज नफल वो टिकट पुछदा गया और नफल ने देंदा रहता मौली साहब जिते भी जान तो छुटेंदा नहीं और कुछ गुरु कर गुर करा उस जगह लख रकात नमाज मैं जोर लाई रखा तो लख नीति रहो गलत ने बड़ी बोलो ना सुभान अल्लाह बड़ी मेहरबानी तवज्जो फरमाओ मैं अर्ज कर रही हूं मेरे नबी ने फरमाया साल चनोट आने वो त्राय सीने ना लाया ना त्राय दे जिंदा रहा मौत आ गई जेड़ा असली आई उन्हें होश हवास कायम है जेड़ा बर्तन छोटा आई ते रहमत ज्यादा आई वो जिंदा नहीं रह सका अरे यार मरण की चस्ता आई मंगल ना तरीका भी हो मुस्लिम शरीफ पढ़ रही है को दौड़ा नहीं रुबाई नहीं हवाला पेश कर रही है चिनोट की गलियां भी बेशक मुझे हवाला मेरा इन्हें ता दो सारे शाह तुलक मुद्दस तेलवी जिन्होंने हर रात कभी की जियारत होती है दूसरे मुहद्दिस अल्लामा अली कारी 1034 हिजरी के अंदर जिन्हें काबे इमामत भी कराई काबे हदीस भी पढ़ाई 11 जिल्द में हदीस की शरह भी लिखी आज लोग आदल तोड़ा काबे ने इमाम नाल अकीदा नहीं मिलता सुभान अल्लाह ओ मैं कह कम लिया गल काबे दी नहीं गल काबे दी है सुभान अल्लाह खड़ा पाकिस्तान होए काबे दे काबे नबी नाल अगर ताल्लुक होए ओ साडी अखां दे अगर काबे दे विच होए काबे दे काबे नाल ताल्लुक नहीं ते तुम्या तू बुलेंदे ने यार तुम्या तू तुम्हें जान दे तुम्हें जान दे साडे थाले चल कोड़ बड़े मिठे होते हैं खाने में आओ ना कदे सारे मन कह रहे तो खवा खवा तुम या तू तरबूज न बन गए भावे मक्खियों फेरी आए शैतानी आवाज़ वाल तवज्जो नहीं करनी रब दे कुरान वाल लिखा है साल मांग क्या मंगदा है मंगण वाला कोई वहाबी ते नहीं नबी दा सहाबी है दौलत नहीं मंगी सोना ते चांदी नहीं मंगा उदय नजरिए हर चीज नबी दे ले अद असालू का मुराफत का फिल जन्नत यार रसूल अल्लाह अगर तुस आख ही छोड़े मांग ते वत देंदे हो तो मैनु जन्नत च अपना साथ थदे हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जनी उठाले मन रब वास्ते चल रसूल अल्लाह वास्ते जेले उसके नाम असालो का मुराफकत का फिल जन्नत
मैं जन्नत ही तुहाडा साथ मंगना। नबी पाक के आख्या नहीं मैं ते नहीं कर सकता क्योंकि जन्नत ही तो जासी ना जदा खात्मा ईमान ते हो सी। मैं तो नहीं पता कल तेरे नाल के हो सी, मैं नहीं पता तेरी आखरत किस तरह हो सी। नहीं नहीं बल्कि फरमाया आवा गैर ज़ालिक, आवा गैर ज़ालिक, ए हो गया कुछ होर मंग, ए ते हो गया कुछ होर मंग। मैं हदीस पढ़ छोड़ी हवाला पेश कर रहा हूं। अशियत उल्लमात शरम मुश्कात फारसी जबान तबा सखर उस आलिम दीन दी गल कर रही हूं। मौलवी अशरफ अली खानवी इफाजात यौमिया जिल्द 9 सफा 100 लिखदे जिन्हां नूं हर रात नबी दी ज़ियारत है। सुभान अल्लाह, हर रात नबी दी ज़ियारत होंदी। पर मैंने सल फरमूद बेखाओ तकसीस न कर, सल फरमूद, सल फरमूद, कोई तकसीस नहीं की थी। ए मन, ए न मन, ओ मन, ए न मन, मांग जो मर्जी मांग। और काबे दा इमाम अल्लामा अली कारी क्या दे मिरकात अरबी शरह उतलब मिन्नी हाजतन, उतलब मिन्नी हाजत तन, ओ जो मर्जी आवी हाजत मांग मोहम्मद थी बैठे। सुभान अल्लाह, मालूम होया मेरा नबी दुनिया ते भी देन ले। गल पई चलदी आई कि कब्र दे विच मिलण दे बाद नबी जिंदा है, हुण भी नबी दे दरवाजे तू मिलदा है या नहीं। सुभान अल्लाह, त्रै दिन होए तवज्जो रखो सरकार दो आलम दे विसाल नु ते पेरा भी देहाती पुछदा वदे सरकार किथे, सरकार किथे, सरकार किथे। ताज़ा ताज़ा मिसाल मुस्तफा आई ते सहाबा ने चीखा निकल गई। सुभान अल्लाह, जदा महबूब जुदा होया होवे तवज्जो है भाई। ए दुनिया दी गल इस मोहब्बत नहीं, रसूल करीम दे सच्चे आशिक ओ दीवाने मुहम्मद दे मैं दीवाना सहाबा दा। सुभान अल्लाह, तवज्जो है भाई। सहाबा दे बगैर ही कुछ नहीं मिलना भाई, आ भूल नहीं आ हूं भी वक्त सहाबा दे बूहे ते आ गया। याद रखे सी तेनू हटाना पोसिया, आखिर सहाबा को लुहाना पोसिया। याद रखे सी तेनू हटाना, आखिर सहाबा को लुहाना पोसिया। याद रखे सी तेनू हटाना पोसिया, भूली आखिर सहाबा को लुहाना पोसिया। साहबा दे नाल दे चंदे खा लैने सौखे, मदरसे बना लैने, पर साहबा ले अकीदे तू नहीं अपना सकदा। है बरेलवियां दे हिस्से च आए। बोलो सुभान अल्लाह। आओ देवबंदी छोटी जी तफसीर मारिफुल कुरान सदर मुफ्ती दार आम देवबंद तफसीर इब्ने कसीर इब्ने तैमिया दा शागिर्द रशीद तफसीर मदारिक जो है भाई। इन उठा के देखो त्रै दिन मेरे नबी दे विसाल नु होए पुछदा पिए सोना नबी किथे अक्खा तू नीर आ गए क्यों क्यों पुछ रहा है कि मैं जुर्म कीता है मेरे कुल गुनाह होए मेरे कुल गलती हुई है। मैं कुरान पढ़े वलो अन्नहुम इस्लामू अनफुसहुम जाऊ का जद भी गलती होवे नबी दे दरवाजे ते आओ। नबी पाक दा विसाल हो गया ते हुण क्या करना है? कुछ यार नबी दा विसाल हो गया कबर चले गए हुण भी जिंदा है साहब आदन आओ चलिए चलिए नबी दी कबर। नबी दी कबर ते ले आए हुजूर दी मदार ते ले आए। मैं मोहब्बत दी गल करन लगा अगर तुम चस नाल सुना तो इंशाल्लाह हो सकदा है तेरा भी करम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लेके आए कब्र मुस्तफा पे, बोलो सुभान अल्लाह। फिर इवें हाथ बन के खड़ो हो जी गल की है ना, मैं अपनी अखी नाल पिछले साल अगस्त च पढ़ी ते नवंबर 96 च पढ़ी। नबी पाक अलैहि सलाम दी जाली दे सामने लिखा हुआ मौजूद, अरबी दा शेर मौजूद। उस ए नहीं आखा मेरे कुल गलती हुई है मेरे कुल गुनाह होए, नहीं
अर्जी पेश करने का भी तरीका होंगे अदे नफसिल फिदा ओले कब्रिन नफसिल फिदा ओले कब्रिन अंत साकिन फील अफाफो वफील जूद वल करम तर्जमा सुन सो ते ईमान ताजा नफसिल फिदाओ मेरी जान तोड़े कुर्बान थी वने केड़ी शय तो कुर्बान थी वने लेका बरे कबर पर तो केड़ी कबर असन बरेल भी पागल नहीं लखा कबरा कब्रिस्तान पयन हर कबर ते असन नहीं वेंदे असन उस कबर च वेने जिथे बहु सुल्तान हो जिथे पीर सियाल हो जिथे ताजदार गोरल केड़ी कबर तू सब के लेने ले कबरिन केड़ी कबर अंता साकिनो हु जिस कबर दे विच तुसी तशरीफ फरमा अबू कियाद है एक कबर नहीं लोग ते बदबخت आदन कबर ते वणना जायज कोई नहीं पत्थर मिट्टी दे ठेरी जालिम हया कर आ नबी दे सहाबा दा नजरिया सुन अद फील अफाफो व फील जूद वल करम या रसूल अल्लाह एक कबर सिर्फ नहीं ए ता बख्शिश दा घर रे माफिया दा घर रे करम दा खजाना है अगे आदे सोना नबी गलती हुई है जुर्म है ते मैं तेरे दरवाजे ते आया रब दा कुरान पढ़या कबरे रसूल च आवाज आई कद गुफिर अल्लाह कद गुफिर अल्लाह कद गुफिर अल्लाह आवन वाले आ तेरी माफी हो गई तेरी माफी बोलो सुभान अल्लाह नहीं जी सानू कोई होर हदीस दिखाओ ना जी कोई सही हदीस दिखाओ साडा दिल नहीं मनदा तैं कोई नहीं मनना भावे अस तन्नू सब कुछ दिखा देवी कुरान दे विच पर तू मन या ना मन मैं सुनियन तो सुना देवा सुभान अल्लाह वजह है भाई सुभान अल्लाह हवाला होवे सुभान अल्लाह पढ़ा के थक गए सुभान अल्लाह हत खड़ा करो मैनु पता लगे जे जेड़े जेड़े थक गए माशाल्लाह सारे नहीं थके वैसे थोड़े थोड़े हां मेरे बल्ले नाराज ना हो बेटे तू सही तक आप बेटे बोलो सुभान अल्लाह आओ मैं अर्ज करिया जागे हो तेरा जागो आना सुभान अल्लाह नहीं जी कोई सही हदीस पर नहीं पढ़ दे ए ज़ईफ हदीसा पढ़ दे मैं आदा मैं झूठे हो वहाबी हो हदीसा छड़ी जाने हो सुभान अल्लाह झूठा ले पर ला गई ने ऐ लगी सतवाने हो इन्नी आराम ला करो ना ए भी ते हदीस है ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਚਾਹ ਪਰਚੀਆਂ ਆਵੇ ਨਹੀਂ
समझ है भाई, आज मेरे ख्याल है गाह कोई नहीं है, आखो सुभान अल्लाह, गाह का नाम है मैं ज़ौक वाला सौदा हो रहा है, सुभान अल्लाह। आओ तवज्जो करो, मैं अर्ज़ कर लिया, मदीनातुर रसूल सुभान अल्लाह, मरवान की हुकूमत, असल मरवान दे मन रहे नहीं, असल हुसैन दे गुलाम सुभान अल्लाह, मरवान की हुकूमत कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आई गई माशाल्लाह, छोड़ छोड़ मैं आपको सुनने का नहीं, ओए खामोश खामोश, मरवान की हुकूमत आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरवान की हुकूमत सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जजाक अल्लाह, मैं एक तकरीर की तार भी नहीं त्रोड़नी ते मैं एक इनत नजर पा लूं, खैर है ना, वाह वाह आओ अर्ज कर लिया और आवे से न कठिया ठीक है, इकट्ठा सौदा है इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आओ अर्ज कर लिया मरवान की हुकूमत ते हजरत अबू अय्यूब अंसारी सुभान अल्लाह, नबी दा मेजबान सुभान अल्लाह, ए केड़ा मेजबान है, मिलाद दा महीना सुभान अल्लाह, मिलाद दा महीना को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा मैं तेरा ऑपरेशन करे से इंशाल्लाह तेरी नस्ल याद रख सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह बड़ा कुछ सुनो बड़े सुकून में मरवान दी हुकूमत, अच्छा अच्छा फिर क्या होया, मरवान दी हुकूमत है ना जी, ते नबी पाक दा मेज़बान जागदे बैठे बैठे सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी पाक दा मेज़बान हजरत अबू अय्यूब अंसारी सुभान अल्लाह, ओ जंदे दरवाजे ते मेरे नबी दा जी ते सवार थी आई सुभान अल्लाह, दाची दी मुहार गल नाल लपेट दी गई सुभान अल्लाह, या रसूल ए क्यों कि कोई ए ना आखे जो मेरे बूहे ते नहीं बैठी, वो आखे मेरे बूहे ते नहीं बैठी सुभान अल्लाह, मेरा नबी मेरे दरवाजे ते नहीं आया, ना तती मामूरत मिन अल्लाह, ओ मेरी दाची अल्लाह दे आदर दे ताबे है सुभान अल्लाह, जिने ओ टाले ओ जदी दाची नु गैब दा इल्म है सुभान अल्लाह, जदी सवारी नु नबी पाक दी सवारी नु पता है, कहंदे दरवाजे ते बावे उस सवार दे इल्म दा क्या आलम हो सुभान अल्लाह, जिदी सवारी लाए इनमे उने सवार दा क्या आलम सुभान अल्लाह, वजह है भाई सुभान अल्लाह, कुल्ली खुशबख्त सी अबू अय्यूब दी जिथे जाके रुकीदा जी महबूब दी अबू अय्यूब अंसारी मरवान दे डर माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा सौदा हो गया थोक दे इंशाल्लाह सुभान अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मरवान मरवान हजरत हुसैन पाक दे गुलामो मरवान दे डर दी हुकूमत दे फिकर कर हजरत अबू अय्यूब अंसारी किथे जाके लुके किथे जाके जान लुकाई हुजूर दी कब्र सुभान अल्लाह हुजूर दी किस तरह बैठे किस तरह बोलो सुभान अल्लाह मरवान आया पैर की ठोकर मारी नबी दे सहाब हुसैन ठोकर मारी ते हजरत ने सिर चाक वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते देखिया ते इत गवर्नर मदीने दा मरवान आया खड़ा ते फौरन दलेरी चाके ना गरज के आखण लगा मरवान मैनु धमकिया ना दे लम आतिल हजरा मैं कोई पत्थर कुल नहीं आया मेरा रब दे रसूल कुल मैं कोई पत्थर कुल नहीं आया मेरा रब दे रसूल कुल आया कई पत्थरी बने वदे मेरे तवज्जो सुभान अल्लाह ओ पते क्या दे ओ आ दे बावे लख पिया हक ना मार मुर्दे नहीं सुनदे सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं आके गल समझ तू चाहे
इंसान मुर्दे सुन सकते हैं, मुर्दे सुन सकते हैं गल समझ तुझा। दूसरी रिवायत ये मुस्तदरक हाकिम है, उन आसार सुनने जो पढ़ रहा हूं, हदीस जय्यद पढ़ रहा हूं, वहाबिया दी चोटी दी मुस्तदरक किताब, मकबूल किताब आसार सुनन अल्लामा शौक नैमवी, हजरत बिलाल नबी दे विसाल दे बाद हुजूर दे हिजर फिराक बर्दाश्त नहीं कर सका मदीना छोड़। सुभान अल्लाह, अदे सोना तेरे बगैर गुजारा नहीं, मदीना छोड़ दिते, मदीने वाले रोंदे, सरकार भी चुप गए, नजर नहीं आंदे ते सरकार दी निशानी बिलाल आई, वो भी चले। सुभान अल्लाह, मदीने वाले नबी जिंदा है, नबी पता लगे ना, सरकार दो आलम ने ख्वाब विच फरमाया बिलाल तू साडा मदीना छोड़ के लगा गया, मदीने वाले मेरे हिजर फिराक रात दिन रोंदे ते तू बांग चदे ना है, मेरी याद ताजा होवे, तू भी छोड़ के लगा गया, जल्दी आ जरा मदीने वाले मुखड़त दिखा। हजरत बिलाल ने लाजी तैयार की थी ऊंटनी, जो है उटनी तैयार करके मेरे वाल मोहब्बत की गल जाहिर कर दी, उटनी तैयार करके सीधा मदीने आ गया, मदीने वाले इस्तकबाल पे कर दे, ओ बिलाल आया, ओ बिलाल आया, अज बिलाल बिलाल पे कर दे, देख दिहाड़ा ही पै देना, वो आमना दा लाल आ गया, बिलाल सीधा चलदा 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 किथे आया नबी दी कब्र, बरेलवी हो जरा मेरे वाले, सुन्नी हो जरा मेरे वाले, नबी दी कबर ते आके ना के करन लगा, मुंह रख के ना चेहरा दा अपना कबर ते, जो मर रहे हो वजह अल्लाह कब्र रसूलुल्लाह, अपना चेहरा नबी दी कबर ते रगड़न लगा, मलन लगा, मालूम है सहाबी तो नबी दी कबर नु चुमदे भी हैं ते चेहरा मस भी कर दें, वहाबियां दे असल जिम्मेदार हैं, कह दो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है जवाब अर्ज कर दे, इश्क इस जबान का लफ्ज है, ये अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना सही है या कि नहीं, और सरकार की तरफ मंसूब करना सही है क्या? लफ्ज इश्क तवज्जो है, लफ्ज इश्क इस जबान का लफ्ज है, ये अल्लाह की तरफ मंसूब करना जायज है क्या? लफ्ज इश्क बनाए इश्क का तुंस, ये जड़ी पीली पीली लूत नहीं आते जी दरख्तों से चढ़ वाली, तवज्जो है भाई, ये दरख्त सारा लपेट लेंदी अरबी जी नु इश्क, जिसनु चबड़ दी छोड़ दी नहीं, बिल्कुल गलबा कर लेंदी, एक हुंदी मोहब्बत एक हुंदा इश्क, जदा मोहब्बत मोहब्बत होवे मोहब्बत रहंदी, जदा ज्यादा हो जावे इश्क, ते हदीस अल्लाह फरमांदा है हबीब अंता इश्की व अना इश्क, मेरा महबूब तू मेरा इश्क है मैं तेरा इश्क, लफ्ज इश्क का इस्तेमाल गलत करो ते गलत होंदा है, वगरना इदा को माना गलत नहीं, इश्क वल्लजीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, एक है मोहब्बत एक है शदीद मोहब्बत, जदा मोहब्बत ज्यादा हो जावे उनका नाम इश्क हो, वैसे मैं देवबंदी किताबा च विखावा गैर मुकल्लदीन दी किताबा च विखावा बरेलविया आले सुन्नत दी मुतकद्दमीन दी हजारा किताबा च विखावा, लफ्ज इश्क विखा सकदा मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, बिल्कुल जी। दूसरा सवाल, क्या मर्द और औरत का कब्रिस्तान में जाना जायज है? बिल्कुल जायज, औरत भी जा सकती है मर्द भी जा सकता है, औरत का जाना जायज भी है नाजायज भी है, जायज किस तरह है और नजायज किस तरह है, नजायज इस तरह है कि औरत बन सवर के जिस तरह शादी के खुशियां कपड़े अच्छे अच्छे पा के थे, अपना बनाओ श्रृंगार करके जानी है बेपर्दा होकर, बिल्कुल नजायज है, बिल्कुल नजायज है, बिल्कुल नजायज है, अगर रश न हो, इज्तिहाम न हो, कोई मर्दों के सामने खलत मलत मजमा न हो, बापरदा जावे, खुशबू न लगावे, कोई सुरखी बुरखी न लगावे, बिल्कुल लपेट के मुंह ते कबर ते जाके पढ़ के बख्शे, बिल्कुल जायज है। सही बुखारी कट के लाया, मैं दिखावा हजरत फातिमा ज़हरा पूरा साल तंबू ला के अपने खामा की कबर ते बैठे,
لے آو صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت فاطمہ الزہرا رسول دی چوتھی تے لاڈلی بیٹی زہرا ہر جمعے والے دن حضرت امیر حمزہ دی قبر تے تشریف لے ویندے سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوہ افریقہ دے اندر جڑا منع کیتا ہے اوندا صرف مقصد نہ جاہلا سمجھا نہیں اصل بات ہے اعلیٰ حضرت بہت بڑے محدث ہیں شیخ الاسلام ہیں علامہ العصر نبی دے منظور نظر ہیں انہاں دا اصل مقصد ہے ایسے طریقے نال نہ جاؤ اتنی اجازت دیو تے عورت اجازت کل فائدہ اٹھا کے شریعت دی حدود کراس کر جاوے او نہ جائز ہے اگر با پردہ جاوے تا جائز ہے زہرا دی سبحان اللہ تیسری حدیث سے جناب امام الانبیاء 15 شب برات دی رات کو اٹھے حضرات دا ٹائم ہویا تے حضرت عائشہ صدیقہ نے اٹھا تے کوئی بستر خالی سرکار نو نہ پا کے بڑی حیران ہو گئی میرے نبی کتھے گئے تے پتہ کرنا ہویا نبی دا تا ان کر دے ہن خوشبو سنگھ دے ہن سبحان اللہ عبد اللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا سبحان اللہ تے بی بی ادی چلدی چلدی میں گئی تے حضور رحمت عالم مکہ مدینہ المنورہ تے بقیع دے قبرستان تشریف فرما سبحان اللہ جائز دوسرا سوال ام عائشہ صدیقہ کے وی آئی ٹی امیر بیان کرے کیا دے صدیقہ کے بستر پر سب سے پہلے زیادہ وحی آئی کیوں اس کی وجہ کیا بیان فرمائے یا ایسی کوئی نئی بتائیں زیادہ وحی نازل سنو بھائی اللہ کریم دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دیا دو قسم وحی مطلوب اور غیر مطلوب وحی خفی اور وحی جلی وحی خفی کے لیے جلی اللہ اور تے نبی دے درمیان عشق تے محبت دا مسئلہ ہے جس دا جبریل ہوئی پتہ کرتا تے وحی جلی ہوئے کہ جبریل دے ذریعے نال آئی حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی ہے میں نبی پاک دے بستر تے ہونی ہم تے اس وقت بھی جبریل امین وحی لے کے آندا آئی تے وحی آندی آئی میں سندی ہم سرکار دو عالم تے احکام نازل ہوندے ہیں رسول پاک دے گھر دا مسئلہ ہے حضور فرق اللہ دا قرآن دے نساؤکم حرسلکم فاتو حرسکم انا شیطم جی میں تو سچا ہو اے توڑی اکھیتی ہیں اے رسول جانے تے رسول دی زوجہ پاک جانے تے کلمہ پڑھنے مصطفیٰ کریم دا اے مومنا دی امہ ہے تو اس دو کوئی زبان کھولن کی ضرورت نہیں جو نبی فرمائے بس من لے عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ سبحان اللہ کیا بات وجہ ہے بھائی اور سوال ہے جی السلام علیکم یہ جو پیچھے بینر لگائے بیٹھا ہوا اس پر مکہ مکرمہ روضہ رسول کی تصویر بنی ہوئی ہے بیٹھنے سے کمر کے پیچھے ہوتی ہے اور بے ادبی ہوتی ہے اس کے بارے میں حکم فرمائے سنو بھائی اے جو تصویر ہے نا شریعت اور ہے محبت اور سبحان اللہ شریعت اور ہے محبت اور ہے شریعت آدھی ہے کہ تصویر دا حکم اس دے جڑی جاندار تصویر یعنی اندر روح ہوئے اس دا حکم اور ہے تے جڑی کسے مکان دی کسے روزہ دی کسے جناب والا گھر دی چار دیواری دی تصویر ہوئے اندر حکم اور ہے وہ جاندار نہیں یہ جاندار پھر جاندار تصویر دیں دو قسمان ایک ادھی تصویر ایک مکمل تصویر ادھی تصویر دا اور حکم ہے پوری تصویر دا اور یہ ادب دا تقاضا اے کہ کنڈ نہیں ہونی چاہیے لیکن شریعت دے روح نال انسان مجرم نہیں بندا اے جاندار دی تصویر نہیں ان اندر روح نہیں پایا رہندا لہذا ایدہ حکم اور جاندار تصویر سبحان اللہ پہلی بات تے اسلام دے کل مصورن فی النار ہر تصویر کھینچنے والا جہنم میں ہوگا لیکن ایک تصویر طلب ہے اج دے جدید دور دے اندر کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں از ضرورات و تبیح المحظورات وقت دے تقاضے مطابق جواز علماء نے پیدا کیتے ہیں کیوں اس واسطے کہ فلماں دی تصویراں ہوویں ڈانسا دی تصویر ہوویں تے قرآن دی تلاوت دی بھی ہوویں تاکہ نوجوان نسل اپنا ایمان تے عقیدے دی محبت دی ایک چاشنی پیدا کرن واسطے تلاوت ویکھسی تقریر ویکھسی اون دے ایمان نوں تقویت کرے سبحان اللہ ادھا ایک اور ایک لکھن والا میرے لکھار کے مقابلے وعدہ جی قبلہ نجدی بول دے ہیں حضور کی ولادت بارہ کی پہلی دلیل نہیں جبکہ وفات بارہ کی پہلی دلیل موجود اے جی سوال ادھی پنجابی ادھا ہوتا مقصد ہی ہے سنو مقصد ہی کیا ہے کہ نجدی آدھے حضور دی ولادت بارہ نہیں وفات بارہ توجہ ہے بھائی بولیں دے نا یار سبحان اللہ جا
जवाब मैं देने तुहानू कोई पसीना छुड़ता दे नजदी आदम जी सुनो सुनो नजदी आदम जी सरकार दी वफात ते बारां नूं विलादत बोलो यार बोलो ना तुसां वफात वाले दिन खुशियां मनाई खड़े ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਨਜਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰਾਏ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜ਼ਈਫ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਸਿੱਕਾ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚਾਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਚਾਰ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ बोल बोल बोलो अहले हदीस और देवबंदी मैं चार मजहब दिया मुस्तरद किताबों को हवाले पे पढ़ना जाग के बह काबू होके बह कि हर मजहब की किताब विच मौजूद है नबी दी विलादत 12 रबीउल अव्वल सुभान अल्लाह शिया मजहब की किताब उसूल काफी मुसन्निफ याकूब कुलैनी तवज्जो है भाई सुभान अल्लाह कैसी किताब यकूब कुलैनी लिखता है जब मैं लिखी है किताब मैं ले गया गार दे अंदर इमाम महदी को मैं कह इमाम महदी इमाम जमाना ये मैं किताब लिखी है जरा देखो हाँ उन्हें पढ़ के फरमाया हाजा काफिन ले शिया ते ना इया हिक्का किताब ही साढ़े शिया वास्ते काफी ओ उठा के ले आओ मैं कढ़ के विखावा कि उसूल काफी च मौजूद है रसूल पाक की विलादत 12 रबीउल अव्वल सुनो देवबंद दे मजहब की किताब है सीरत खातमुल अंबिया दा नाम है सफा 18 सफा 18 मुफ्ती आलम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी सदर मुफ्ती दारूम देवबंद बोलो सुभान अल्लाह यारी बंग बारी बंग मिलाद बंग मिराज बंग उत्तू बंग बिच्चू क्योंकि निराई देव बंग अल्लाह राजी हो ना असद असद अंदर रहे सुनो ओ 18 सफा पे क्या लिख रहा है कि सरकार दी विलादत 12 रबीउल अव्वल दो मजहब हो गए जरा कह दो सुभान अल्लाह ये शिया मजहब की किताब है एक जी मुल्ला बाकर मजलसी के लिख रहे उसूले अपना जिलाउल उलूम के अंदर नहीं जी 12 को नहीं है वो तो 17 को है हमारे यकूब कुलैनी ने तकिया कर दिया है इतना बेवकूफ मजहब मैंने लिखा भाई तकिए का कोई मौका तो होता है तारीख के सामने तकिए की कड़ी लोड़ है लेकिन सुनो उसूले काफी मौजूद नबी पाक दी विलादत 12 रबीउल अव्वल जाग दे बैठे हो देवबंद दी सीरत खातमुल अंबिया सफा 18 से मौजूद और गैर मुकल्ले अहले हदीस ओपा यासी अहले हदीस सुन सुभान अल्लाह असी अहले हदीस हदीस से अमल करते हैं जरा घर दी खबर ना हो ना एक किताब आई मक्के तो छप से अरबी उनका तर्जमा हुआ मुल्तान नशर सुन्ना वाले ने किया है किताब का नाम रखे फिरकाए नाजिया की राह अमल सफा 8 उस अंदर लिखते हैं मक्के वालों का यो अमल है ते गल भी इया सच्ची है जो सरकार की आमद 12 सुभान अल्लाह और अशमामत अलअंबरिया मिन मौलिद खैर अलबरिया तवज्जो है भाई सुभान अल्लाह मैं गाल बंदा नहीं दे रहा हवाले हवाले हो रहे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुसे अल्लाह दे हवाले ते मैं भी अल्लाह दे हवाले जरा सुन लो अल्लाह दे हवाले सुभान अल्लाह सुनो ओदे अंदर भी मौजूद है कि सरकार दी विलादत 12 रबीउल अव्वल ते सुन्नी तैन आशिक रसूल उन्हां दी जेड़ी किताब विच आओ लिखा पे हुजूर दी आमद सुभान अल्लाह अगर कोई आके नहीं जी तारीख ऐसे नहीं होती तो अपने बाबा जी की किताब पढ़ लो मौलाना अशरफ अली थानवी की नशर तीब वो आता है अगर हुजूर की विलादत 12 को न मानी जाए तो पूरी तारीख गलत होती है जो है भाई लिहाजा हर मजहब की किताब से साबित हुआ कि हुजूर की विलादत 12